पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का हुआ आगमन, ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर किसानों से की चर्चा, मुआवजे को लेकर दिया आश्वासन। कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे बूथ विस्तारक योजना को लेकर हुई प्रेस वार्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष ने दी जानकारी। शिक्षा विभाग द्वारा जिले के जन शिक्षा केंद्रों को किया गया पाठ्य पुस्तकों का वितरण, कोरोना को लेकर लापरवाही व मनमानी के नजारे भी आए सामने। और कलेक्टर ने एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी के अंतर्गत चंदन नगर आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 4 को लिया गोद, निरीक्षण कर देखी आंगनवाड़ी की व्यवस्थाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपने दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के खेतों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से चर्चा करते हुए सर्वे किए जाने की जानकारी प्राप्त की व किसानों को आश्वस्त करते हुए उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जिले की तहसील तामिया, जुन्नारदेव और अमरवाड़ा ब्लॉक के ग्राम बमनी, बिछुआ, ओजलढाना आदि क्षेत्रों में फसलों का निरीक्षण किया व अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्हें आवश्यक निर्देश प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर पिछले साल का मुआवजा ना दिए जाने का आरोप लगाते हुए किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करवाने की बात कही। ये वन अधिकार पट्टा है, ये भी देख लीजिए। अरे मैं देखता हूँ, ठीक है। यहाँ सही सर्वे हुआ है, मनीष पूछा आपका खेत है, सर्वे हो गया, ठीक हुआ है। अनपढ़ है, कितने परसेंट लिखे कटोरी की? कितने परसेंट लिखे कटोरी की? मनोज हमारे टोटल सर 177.899 हेक्टेयर हमारा रकबा ये है। टोकना सर दो टोकना सर पिपरिया खुद भी हो गया जी सर। सर हेलो हमने कम्प्लीट कर लिया हेलो सर। टोटल ये टोटल हमारी 39 की गाँव
टू शिपिंग डाल पाएंगे सर? क्षेत्रों का दौरा किया, क्या देखते हैं? जहाँ भी ओले से लोग पीड़ित थे, ओलावृष्टि हुई थी, नुकसान हुआ, वहाँ मैंने बहुत सारे गांव में तामिया ब्लॉक का हररई ब्लॉक छिंदवाड़ा के दौरा किया है और कि सर्वे सही हो रहा है, गांव वालों को तसल्ली, कहीं शिकायतें थी पर पहले तो सर्वे सही हुए, सर्वे के बाद मुआवजा मिले, मुआवजा भी समय में मिले, मुआवजा साल भर मिलने के बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आज तो ये अपनी छोटी छोटी खेती पर ही इनका जीवन निर्भर है। हम जिस जगह पर हैं सर, ये मध्य प्रदेश का हार्टलैंड है और जिस जगह पर जिस गांव में है तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है और इस पूरे क्षेत्र की, इस पूरे अंचल की पहचान कमलनाथ जी के रूप में है। यहाँ के ग्रामीण मुश्किल में है, यहाँ के आदिवासी मुश्किल में है, शासन से किस तरह की मदद की आप उम्मीद रखते हैं? शासन कोई मदद नहीं करती, छिंदवाड़ा को उपेक्षित रखती है, इसके बावजूद छिंदवाड़ा में विकास मेरे दबाव से, मेरे प्रयास से होता रहा है। आज छिंदवाड़ा की पूरी पहचान मध्य प्रदेश में है, छिंदवाड़ा की सोच में अंतर है, छिंदवाड़ा के नज़रिए में अंतर है और जो 42 साल से छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे प्यार और विश्वास दिया है, मैंने तो आपके प्रयासों से एक बार फिर इन चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी, हम उम्मीद रखें। बिल्कुल, अभी 22 महीने बचे हैं, मध्य प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और छिंदवाड़ा के विकास का एक नया इतिहास शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष जन्माष्टमी 2021 से जन्माष्टमी 2022 तक संगठन पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत बूथ विस्तारक योजना प्रारंभ की गई है। जिला भाजपा कार्यालय में आज भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बूथ विस्तारक योजना को लेकर जानकारी साझा की। प्रेस वार्ता में जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, जिला कार्यालय मंत्री अल्केश लांबा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, मीडिया सह प्रभारी विक्रम सोनी, वरिष्ठ नेता अरविंद राजपूत, मंडल मीडिया प्रभारी कमलेश ठाकरे, प्रतीक दामोदर उपस्थित थे। श्रद्धे कुशाभाऊ ठाकरे जी की, हम लोग जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, जन्माष्टमी 2021 से जन्माष्टमी 2022 तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जो अपना जीवन पूरा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए एक एक बूथ, एक एक मंडल और पूरे देश को आजीवन सहयोग निधि का महत्व बताने वाले ऐसे कुशाभाऊ ठाकरे जी का हम लोग जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इस जन्म शताब्दी वर्ष को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन विस्तार के रूप में मना रहे हैं। श्रद्धेय कुशाभाऊ जी, जिन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक एक मंडलों में पहुंच करके एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े किए थे, उनके इसी विचारों को बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के 20,000 कार्यकर्ता कल से 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक प्रतिदिन 10 घंटे से देंगे, ऐसे एक कार्यकर्ता 100 घंटा देगा और प्रदेश के 20,000 कार्यकर्ता 20 लाख घंटे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी को समर्पित करेंगे। इन 20 लाख घंटों में हम लोग एक एक कार्यकर्ता संगठन विस्तार को लेकर के बूथों में जाएगा और फिजिकली एवं डिजिटली वेरिफिकेशन वहां पर होगा, हमारी बूथ की समिति बनेगी, हमारे बीएलए बनेंगे और हमारे हर बूथ के हर पन्ने के वोटर लिस्ट के हर पन्ने के पन्ना समिति भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं दी सकती कि हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता, हमारे मंडल के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, इसको लेकर के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इस मुहिम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी 10 दिन बूथ में बिताएंगे, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी भी 10 दिन बूथ में बिताएंगे और मध्य प्रदेश के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना 10 दिन का समय देने वाले हैं। 18 जनवरी की रात ग्राम इमलीखेड़ा थुनिया व सर्रा के युवाओं ने सांसद नकुलनाथ का जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया।
युवाओं ने सांसद से ग्राम थुनिया में निवासरत सरदारों के लिए गुरुद्वारा बनाए जाने की मांग की है, जिसके लिए सांसद नकुल नाथ ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। चाचा आपको आमंत्रित कर रहे हैं बेटे की शादी 22 की। जी 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 शनिवार को आपको कल पहुँचना एक एक करके आना बाकी हट जाओ नीरज पीछे साइड में अरे फोटो ले लो फोटो ले कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद ये मोबाइल समझ ला सम्मान थोड़ा और उधर जा। ग्राम इमली खेड़ा थुनिया और सर्रा के लोग माननीय नकुलनाथ जी से हम मिले और पिछले बार जो समस्याएं हमारे सामने थी मैंने नकुलनाथ जी से पिछले बार बोला था कि जो थुनिया भांड के जो सरदार लोग हैं उनके लिए एक गुरुद्वारा की मांग माननीय कमलनाथ जी से की गई थी और उन्होंने बोला था कि ज़मीन हमको दे दीजिए हम वहाँ गुरुद्वारा बनवा देंगे। इसी तारतम्य में ज़मीन तो हमने खोज ली है, माननीय कमलनाथ जी का लाने वाले हैं, नकुलनाथ जी से बात हो गई है, इन्हीं सरदारों के लिए थुनिया के एक भव्य गुरुद्वारा निर्माण की बात हम कमलनाथ जी से रखेंगे। ज़मीन की बात हो गई है और उसके लिए कुछ फंड है तो माननीय कमलनाथ जी बोल रहे थे कि हम आपको फंड दिलवा देते हैं। मैं माननीय कमलनाथ जी का और नकुलनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता मुझे माननीय कमलनाथ जी ने विधायक प्रतिनिधि तहसील में नियुक्त किया है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जवाबदारी दी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि माननीय कमलनाथ जी ने जो दायित्व मुझे सौंपा है मैं ईमानदारी के साथ उस दायित्व को निर्वहन कर सकूँ और छोटी छोटी समस्याओं जो जनजीवन में आते रहती है उन समस्याओं को सुलझाने का काम मैं माननीय कमलनाथ जी की तरफ से करूंगा। मैं कमलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे तहसील कार्यालय का विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज एकीकृत बाल विकास परियोजना छिंदवाड़ा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 4 चंदन नगर का निरीक्षण अवलोकन किया और आवश्यक जानकारियां प्राप्त की। गौरतलब है कि कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत इस आंगनवाड़ी को गोद लिया है। ये हमारा टारगेट कितना है? 0 से 5 वाले 5 या 6 तक दे? 5 सर जी 5 मिनट 0 टू 5 वाले बच्चे कितने बता रहे हैं? जो आपका टारगेट है बच्चों का वो कितने बता रहे हैं? 5 से 5 सर 3400 करीब चुने वो दिखा रहे थे रजिस्टर तो ऐसे ये दोनों आपस में फंसा रहे थे। हाँ जी आपस में ऐसे उसके ऊपर वो रहेगा इसका दूसरा हिस्सा टूटा हुआ है नहीं है या गंदगी है पर यहाँ है ये रेट पड़ी
घटिया क्वालिटी का होगा तो भी कैसे टूट गया होगा। पैर मारे नहीं तो टूट जाए। ये आप लोगों ने रखा है। शिक्षा विभाग द्वारा आज जिले के 10 जन शिक्षा केंद्रों को कक्षा तीसरी से आठवीं तक के बच्चों के लिए किताबों का वितरण कार्य संपन्न किया गया। ये पुस्तकें जन शिक्षा केंद्र द्वारा स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वितरित कराई जाएंगी। पहली दूसरी की अभ्यास पुस्तिका है और तीसरी से लेकर आठवीं तक की एट ग्रेड की पुस्तकें का वितरण जन शिक्षा के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। कितने स्कूलों को आज वितरण किया जा रहा है? पूरे विकासखंड के 10 जन शिक्षा केंद्र हैं उनको किया जा रहा है। स्कूल को वितरण नहीं किया जा रहा, जन शिक्षा केंद्र को वितरण किया जा रहा है। यहाँ से कितने जन शिक्षा केंद्र? 10। क्या नाम आपका? अमित वर्मा। हमें पुस्तक वितरण के दौरान एक अजीब मामला देखने में आया, जब अचानक एक शिक्षक अपनी मोटरसाइकिल लेकर हॉल में प्रवेश कर गया। उसे अन्य अध्यापकों ने मोटरसाइकिल ले जाने से रोका भी, पर वह नहीं माना। इसके बाद यह शिक्षक महोदय अपना मास्क भी नहीं लगाए थे। बिना मास्क के नजर आ रहे यह शिक्षक धड़ल्ले से सभी के बीच से किताबों के पार्सल को उठाकर निकल गए और सभी अधिकारी व शिक्षक देखते रह गए। दूसरों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले अगर खुद ऐसी लापरवाही करेंगे तो आम जन का क्या हाल होगा? मैं देख नहीं पाया था, मास्क उनको सोशल डिस्टेंस बोल चुके हैं, सोशल डिस्टेंस क्या है, लेकिन अब टीचर्स आए वैसे तो मास्क में ही है। सर देख रहे हैं कि गाड़ी अंदर एकदम गाड़ी पता नहीं सर कैसे लेके आ गए उन्होंने, है ना। अब मास्क भी नहीं था उनके चेहरे पे, कई लोग आ रहे हैं ऐसे बिना मास्क के, कई लोग नहीं, मैं देख नहीं पाया सर। वैसे तो मतलब पहले उनको है हिदायत कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, वो मास्क लगा के ही आए, है ना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगमोहन लाल जी श्रीवास्तव की 120वीं जयंती के अवसर पर आज उनके परिजनों, शहर के प्रबुद्ध नागरिकों व सामाजिक सदस्यों ने जिला उद्योग कार्यालय के समीप स्थित उनके स्मारक पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके पुत्र प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव ने बाबू जी के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं पर प्रकाश डाला। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे बाबू जगमोहनलाल श्रीवास्तव की जय। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगमोहनलाल श्रीवास्तव की जय। बाबू जी अमर रहे, बाबू जी अमर रहे, बाबू जी अमर रहे, बाबू जी अमर रहे। आज 19 जनवरी 1922 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगमोहनलाल श्रीवास्तव जी की 120वीं जयंती है। उन्होंने 30 वर्षों तक अंग्रेजों जूझ करके 14 वर्ष की उम्र से लेकर के 1946 तक 30 वर्षों तक अंग्रेज जूझ करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई बार जेल यात्राएं की, इसके अलावा उनको लाठीचार्ज वगैरह और गोली का भी अपना सामना करना पड़ा, घायल भी हुए गोली द्वारा। और 1930 में जौलपुर में आपके बड़ा फवारा के पास में लाठी चार्ज हुआ, जिसमें कि उनको कम से 72 घंटे बेहोश और समय पड़े रहे विक्टोरिया अस्पताल जौलपुर में। उन्होंने देश के लिए इतना अधिक समर्पण किया और कभी भी उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया। 1989 में 1989 में उनका वो दिवंगत हुए और उन्होंने लगातार यानी महाकौशल कांग्रेस कमेटी जोधपुर के अध्यक्ष भी रहे। सेठ गोविंददास जी जब जेल गए थे तो उन्होंने अपना पद महाकौशल कांग्रेस कमेटी का श्री जगमोहनलाल श्रीवास्तव जी को सौंप करके गए थे। इस तरह से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1942 में जब भारत छोड़ आंदोलन हुआ था, उस समय वे नागपुर में थे और वहाँ पर गोली चली
वो लोहे का पुल जो सीतावाटी में है वहाँ पर गोली चली और उनको यानी मिलिट्री के जो अपने पुलिस के जो कमिश्नर थे उनके आदेश हुआ कि फायर करके वैसी गोलियाँ चली और एक गोली उनके कान के पास छूटती हुई निकल गई, दूसरी गोली उनके पैर में लगी, इसलिए वो जवान हो गए थे। नाम आपका? मेरा उनका द्वितीय पुत्र प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव। पुलिस का सख्ती वाला रुख हम कई बार कई जगह पर देखते हैं, पर ये पुलिस वाले अंदर से कितने भावनात्मक होते हैं इसका एक उदाहरण 18 जनवरी को सामने आया। दरअसल 18 जनवरी को भ्रमण के दौरान आरक्षक सुरेंद्र को सूचना मिली कि इमलीखेड़ा चौराहे पर एक महिला अपने साथ करीब 6 माह के बच्चे के साथ ठंड में ठिठुर रही है। वो काफी देर से अकेली बैठी हुई है, हो सकता है कि किसी परेशानी में हो। सूचना मिलने पर तत्काल FRB के प्रधान आरक्षक अनिल और आरक्षक शुभेंद्र ने मौके पर पहुंचकर महिला से बातचीत की तो पता चला कि महिला बोल नहीं पाती है, जिस कारण से वह कहां की रहने वाली है, उसका क्या नाम है, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में महिला का अकेले बच्चे के साथ इमलीखेड़ा चौक पर रहना उचित नहीं होने से आरक्षक द्वारा महिला को थाना लाया गया एवं सुरक्षित स्थान पर उसे सुरक्षित रखा गया। सुबह SDM के निर्देश पर महिला बाल विकास के अधिकारियों द्वारा उक्त महिला को अपने संरक्षण में लेकर वन स्टॉप सेंटर भिजवाया गया, जहां से उक्त महिला के परिजनों को खोजने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी इस महिला को जानता हो या इस संबंध में कोई भी जानकारी हो तो तत्काल थाना कोतवाली अथवा वन स्टॉप सेंटर को सूचित करें। असंगठित कामगार कांग्रेस इन दिनों जिले के न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मियों, ठेका कर्मचारियों व श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। इसी क्रम में आज संगठन जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उन्हें नौकरी पर वापस लिए जाने की मांग रखी। प्रदर्शन में निकाले गए कर्मचारियों की ओर से पूजा यदुवंशी, गीता यादव, श्वेता पांडे, माधवी निरापुरे, उषा पवार, संजय मालवी, कुणाल इंदौरकर, निर्मला बाल पांडे सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग शामिल रहे। जिन लोगों को जैसे ही कोरोना खत्म होगा आपका काम पूरा हो तो जाए आए, कल हम CMSO कार्यालय में भी जाने वाले हैं। हम आउटसोर्स एम्प्लॉय हैं, हम लोगों ने कोविड पीरियड में ड्यूटी की, समय इतना खराब था कि कोई घर से निकलता था और हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जगह भी काम करना पड़ता था, पर हमने काम को काम समझे, हम आउटसोर्स कर्मचारी जरूर हुए, पर क्या होता था कि इस समय मतलब हमें लगता था कि अभी काम करेंगे तो आगे चल के हम लोगों शायद गवर्नमेंट में आ जाएंगे या तो हमको संविदा से सीधे गवर्नमेंट सेक्टर में दिया जाएगा, पर हमें ये ऐसी कल्पना हमने कभी नहीं करते कि करते करते हमको जब समय अच्छा खराब चल रहा तो हमसे काम लेंगे, जब अच्छा समय आएगा तो हमको बाहर कर देंगे, हमने नहीं सोचा था। तो हमारे साथ उसके बाद जब बोला गया कि जब काम खत्म हो गया तो बोला गया कि आप अब नया ठेकेदार के पास जब ठेका गया तो ठेकेदार बोलता है कि बोले मेरे पास बोले वहाँ से भुगतान नहीं हो रहा है, बोले मैं एम्प्लॉय काम रोकूंगा। उसके बाद हमको ये बोल के मतलब एक फोन कॉल आता है हमारे पास कि आपकी सेवा निरस्त कर दी जा रही है, ऐसा कोई लिखित आदेश भी नहीं है मतलब अधिकारियों की तरफ से। दूसरी चीज ये है कि मतलब अब ये लोग ने तो बोल दिए कि वहाँ एम्प्लॉय की क्या आवश्यकता नहीं, आपको बाहर कर दिए, अब नए नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं और जब अधिकारी से बात करते तो बोलते हैं कि ऐसा कोई आदेश हमारे पास है नहीं कि हम रखेंगे या निकालेंगे, तो हमको बंद तो कर दिया गया और नए नए लोगों को भी रख रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जब अगर नए लोग को रख सकते हो तो पुराने को बंद क्यों किया, अगर पुराने को रख सकते हो तो नए लोगों को फिर भर्ती कर रहे हो। पहली अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी चाहिए क्योंकि काम हमने किया ना, अनुभव हमारे पास है। प्रकाश भावरकर, ये जो स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं पिछले 1.5-2 साल से लगातार काम कर रहे थे, कोरोना के पहले और दूसरी लहर में इनने सब अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है। कोरोना जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद इनको पद स्वीकृत न होने के बहाने से इन सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। ऐसे 40 लोग हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर भर्ती हुए थे और इन सबको काम से निकाल दिया गया है। जो इन लोगों के पास जानकारियां हैं, जो हम लोगों को जानकारी मिली है, उसमें ये भी है कि भाई इनके हिस्से का जो पैसा आ रहा है, बजट आ रहा है, उसको ब्लॉक से स्वास्थ्य अधिकारी से लेके और जो अधिकारी है आपस में मिल बांट कर खा रहे हैं। अभी तक इनको काम पर वापस नहीं लिया गया है। हम लोगों ने आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर ये मांग की है कि इनको जिस दिन से निकाला गया है उसी दिन से इन पर काम दिलाया जाए। अभी ये लोग माननीय कमलनाथ जी से भी, नकुलनाथ जी से भी मुलाकात करके आए, उन्होंने भी अधिकारियों को कहा है कि भाई ये जो लोग हैं जिनने कोरोना में काम किया था इनका ये अधिकार बनता है कि इनको नौकरी पर वापस लिया जाए, अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम इस पर बहुत आगे आने वाले दिनों में और भी गंभीर आंदोलन करेंगे और इसे लगातार चलाएंगे जब तक ये वापस काम पर नहीं पहुंच जाते हैं।
नगर निगम सभा कक्ष में आज कमिश्नर हिमांशु सिंह ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर नगर निगम के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से शहर में सफाई व्यवस्था, पेयजल व राजस्व वसूली को लेकर समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। एक टीम बना लो नगर निगम में, दो दो तीन तीन लोगों की अलग अलग की जिम्मेदारी रहती है, रिकॉर्ड इकट्ठी अब उनके तीन तीन आदमी की टीम तैयार करो कि पांच कॉलोनी का रिकॉर्ड ये बनाएगा, पांच नहीं बनाता तो फायर आउट करो उसको, किस लिए बैठा हुआ तनख्वाह ले रहा है, इसको हिसाब से बना के दो। यहाँ तक सर अपन ने आठ रजिस्ट्रियाँ बनवा दी है, ये दूसरा बालाजी धाम वाला में क्या वही स्थिति है, जीरो कब तक करोगे सर? हर हफ्ते बढ़ रही है, पचास साठ बढ़ रही है। दूसरा रूफ लेवल वाला भी है, रूफ लेवल वाला 72 हुई है सर, इस हफ्ते 910 वो पेंडिंग है। अपडेट नहीं करते हो ना इसमें कि हमने बना दिया है, ठेकेदार द्वारा शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा, तो कब तक प्रारंभ कराओगे? तुम गए थे देखने, देख लिया बिल बना दिया उसका? तो कैसे मालूम गए थे देखने? अच्छा, एम पेंशन मित्र पोर्टल के थ्रू क्या करना है इसमें? मोबाइल ऐप के माध्यम से पेंशन के लिए, पेंशनर्स के लिए उस पर अप्लीकेशन हो रहा है सर, सत्यापन तो 95 पर पहले 85 था सर, अभी 95 हो गया। जनपद कार्यालय सभाकक्ष में आज ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में संशोधन विलोपन संबंधी कार्यों के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी संबंधित प्राधिकृत कर्मचारियों को कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। तो हम जिंदा व्यक्ति को मारते हैं ना, उसको नाम नहीं काटेंगे। एक बार भूल हो गई तो दोबारा क्यों करेंगे? दोबारा क्यों करेंगे? बिल्कुल सही है सर। क्या होता है, मास्टर ट्रेनर जो होते हैं ना, मैं सत्य बात आपको बता रहा हूँ, जो फील्ड में रात दिन आप काम कर रहे हैं, आपका अनुभव अलग है, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से उन व्यक्तियों से परिचित है कि जो व्यक्ति आपके पंचायत में आपके वार्ड में निवास रहते हैं। मेरा नाम कट गया, मैंने आप चल दिया, नहीं समझ रहे, उसी को हम ठीक कर रहे हैं 15 दिन से, जब से 5 जनवरी को ये मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, हम उसी के पीछे लगे हुए हैं। तो जो व्यक्ति हमारे यहाँ नाम कटने वाला है, मृत्यु हो गई है, गांव छोड़कर चला गया, शादी हो गई या अन्य किसी कारण से चला गया, और उसका नाम मतदाता सूची में, वर्तमान की मतदाता सूची में उसका नाम कटती हुई किसी दूसरे व्यक्ति का कटा, उसके पापा ने आक्षेप किया तो पापा का कट गया वो लड़की का नाम अपने हमारी मतदाता सूची में, तो आप क्या करेंगे? वो जो लिस्ट आएगी उसकी लड़की का नाम हटाएंगे, ठीक है सर? कोई कंफ्यूजन? हमको मालूम है क्या त्रुटि विधानसभा की, सने सर सर को नहीं मालूम होगा। मतदाता सूची जब अपन देंगे तब तक आपकी करेक्ट हो जाएगी ना? किसी कारण से पलायन हो गया है या और भी कोई कारण हो सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति की जो सूची में नाम आएगा आप उसको विलोपित कर दीजिए, ठीक है सर? और कोई डाउट किसी को विलोपन के ऊपर? अब आते हैं हम संशोधन की ओर, तीसरा घटक है हमारा संशोधन जो है, व्यक्ति ने अपनी आयु ठीक करने के लिए वो व्यक्ति ने आवेदन किया था कि भाई मेरी उम्र जो है 70 वर्ष की जाए, मैं दस्तावेज के विधानसभा की इसमें उसने प्रस्तुत किया। आज का प्रशिक्षण ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में संशोधन विलोपन एवं परिवर्तन सूची का, जो विधानसभा निर्वाचन की सूची 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुई, उससे उन नामों को संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्डों में शिफ्टिंग करने, विलोपित करने, संशोधित करने के लिए बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी संबंधित प्राधिकृत कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या नाम आपका? दिलीप ननारिया, खंड पंचायत अधिकारी। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर जारी इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज नेशनल बोरवेल छिंदवाड़ा व RCC बनखेड़ी के मध्य मैच संपन्न हुआ, जिसमें RCC बनखेड़ी की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 15 रनों से जीत दर्ज की। एक तो रिस्की सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाजों ने, और एक और विकेट, एक और सफलता अभिषेक के लिए नेशनल बोरवेल के लिए। पिछले ओवर में अब्दुल कुशवाहा की नए ओवर की शुरुआत, अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर
आज बजरंग दल की महानगर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंग दल के जिला संयोजक सुभाष गडेकर ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए संगठन के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस दौरान सोनू कहार को महानगर गौरक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया। बैठक में आकाश कहार, अंशुल यादव, नीलेश चंद्रवंशी, आशीष सिंगोरे सहित वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का हुआ आगमन, ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर किसानों से की चर्चा, मुआवजे को लेकर दिया आश्वासन। कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे बूथ विस्तारक योजना को लेकर हुई प्रेस वार्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष ने दी जानकारी। शिक्षा विभाग द्वारा जिले के जन शिक्षा केंद्रों को किया गया पाठ्य पुस्तकों का वितरण, कोरोना को लेकर लापरवाही व मनमानी के नजारे भी आए सामने। और कलेक्टर ने एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी के अंतर्गत चंदन नगर आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 4 को लिया गोद, निरीक्षण कर देखी आंगनवाड़ी की व्यवस्थाएं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।